कांग्रेस वालों की नजर आपकी जायदाद पर पड़ गई है। पूंजी छीनने देंगे? उन्होंने जो दिया है वो किसी को देने देंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार और झारखंड का दौरा करते नजर आ रहे हैं। अपने उम्मीदवारों के लिए जो जनता है उसका समर्थन मांगने नजर आते हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पलामू पहुंचे, वहां की जनता को प्रणाम किया, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर लगातार बवाल जारी है। उस मैनिफेस्टो को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग कहते हैं अगर इनकी सरकार आ गई तो जो आम जनता है उसके संपत्ति का एक्सरे करेंगे, कितनी जायदाद है, क्या महिलाओं के पास मंगलसूत्र है, सबका जो है एक एक्सरे किया जाएगा। उसके बाद उसमें से कुछ हिस्सा ये लोग उठा के अपने वोट बैंक को देने की कोशिश में है। पलामू में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले आप वो सुने। मैं ये आपके उज्जवल भविष्य के लिए कर रहा हूं। और भाइयों बहनों, आज मैं पलामू को बधाई देने के साथ ही आपको सतर्क करने भी आया हूं। मोदी यहां रोजगार बढ़ाना चाहता है, मोदी आपके जीवन में खुशहाली लाना चाहता है, लेकिन कांग्रेस वालों की नजर आपकी जायदाद पर पड़ गई है। कांग्रेस हो या जेएमएम हो, उनको और कुछ नजर ही नहीं आता है। और ये कांग्रेस ने अभी अपना मैनिफेस्टो निकाला है और बेईमानी देखिए, वो कह रहे हैं कि वो आपका एक्सरे करेंगे। एक्सरे कितनी जमीन है, घर कहाँ है, कितने कमरे हैं, घर में सोना है कि नहीं है, चांदी है कि नहीं है, मंगलसूत्र है कि नहीं है, जांच कराएंगे और फिर उसमें से कुछ हिस्सा आपसे छीन लेंगे और आपसे वो लेकर के अपनी वोट बैंक को देना चाहते हैं। क्या आप आपकी पूंजी छीनने देंगे? किसी भी सरकार को आपकी पूंजी लेने देंगे? आपकी मेहनत की कमाई, बचाई हुई कमाई किसी को देने देंगे? आपके पूर्वजों ने जो दिया है वो किसी को देने देंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं, चाहे बिहार हो, बंगाल हो या झारखंड हो, तमाम जगह पर जाकर अपने समर्थकों के लिए जनता का जो समर्थन है वो मांग रहे हैं। जनता के सामने जाते हैं, चुनावी सभा को संबोधित करते हैं और अपने उम्मीदवार के लिए जनता का वोट मांगते हैं। साथ ही आपको बता दें, पीएम मोदी इसी क्रम में आज पलामू पहुंचे हुए थे। पलामू की जनता को प्रणाम करके उन्होंने सभा को संबोधित किया। हजारों लाखों की संख्या में पीएम मोदी को सुनने के लिए लोग वहां मौजूद थे। सुरक्षा का भी जो इंतजाम था वो कड़ा इंतजाम किया गया था, अच्छी जो सुरक्षा थी उसकी इंतजाम की गई थी। साथ ही आपको बता दें, जब उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया तो एक बार फिर से कांग्रेस का वो मैनिफेस्टो जिसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस को घेरा, कहा कि ये लोग एक्सरे करना चाहते हैं आपकी संपत्ति का, कितना जायदाद है, आपके पूर्वजों ने आपको क्या दिया है, महिलाओं के पास मंगलसूत्र है या नहीं, सबका ये लोग एक्सरे करवाना चाहते हैं और उसमें से कुछ जो हिस्सा है वो अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर जमकर निशाना साधते नजर आए पीएम मोदी कांग्रेस पर, क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।